हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज है संडे, तो आप सभी को हैप्पी संडे। तो सब एंजॉय कर रहे होंगे संडे का, तो आज हम भी एंजॉय करने जा रहे हैं थोड़ा बाहर। कंपनी के जो कलीग हैं उन्होंने बुलाया है थोड़ा घर पे मिलने के लिए, तो इनवाइट किया है उन्होंने। तो चलते हैं गाइस उनके घर पे, और अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं। बच्चों को भी मैंने रेडी कर दिया है। मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, वैसे मैं कभी जाती नहीं हूँ, मतलब कंपनी के साइड से यही जाते हैं। तो मैं और बच्चे फर्स्ट टाइम मिलने जा रहे हैं उनसे, तो चलते हैं। तो मैं हो चुकी हूँ एकदम रेडी, और आप लोग बने रहना ऐसे ही मेरे साथ प्रियंका ससाना के ब्लॉग में। वीडियो के एंड तक सब दिखाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही बने रहना मेरे साथ। देखिए, मैंने अपनी गुड़िया रानी को तैयार कर दिया है, और देखिए उसको मैंने तैयार किया था, देखिए कैसी हो गई, भूत बन गई है। और ये देखिए खिलौनों से खेल रही है अपने, और ऋषि का, और ये ऋषि को देखिए हमने तैयार कर दिया है। पापा भी तैयार हो जाएं फिर चलेंगे। बस आज कहाँ जा रहे हैं? घूमने, है ना? चलिए गाइस आ जाइए, और हम भी चलते हैं और लगा देते हैं घर पे लॉक, और फिर चलते हैं। फिर हम मिलते हैं आप सोनी के घर पे, आपको दिखाएंगे। मेरे घर भी डॉगी है एक प्यारा सा, तो उनसे ही मिलवाएंगे। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं अब घर से, और देखिए ये लगा रहे हैं, घर पे लॉक लगा दिया है इन्होंने, और अब चलते हैं। टाइम भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, धूप भी हो गई है। और देखिए हम लोग चल गए घर से, खुशी बहुत खुश थी कि हाँ चलो आज घूमने जा रहे हैं, हमें मेरे लिए खिलौने ले लेना। और देखिए इनके पापा जा रहे हैं, और ये ऋषि आगे आगे चल रहे हैं। बच्चे इतने खुश हो जाते हैं ना, बच्चे से ज़्यादा हम लोग भी खुश हो जाते हैं। तो चलते हैं गैस पहले, मुझे ज़्यादा बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि वही है बहुत दिन बाद निकलो घर से, तो अच्छा लगता है थोड़ा। अब हम लोग आ चुके हैं क्रॉसिंग पर, और देखिए हम सब लोग वेट कर रहे हैं रिक्शे का। धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी, और यहाँ देखिए बादल भी हो गए हैं, लेकिन बहुत तेज़ धूप थी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और क्रॉसिंग भी खुल गई है, और हम लोग बैठ गए हैं ये रिक्शे पर। अब रिक्शे से जाएंगे, फिर आगे हमें बस लेनी है, नवाबगंज की बस लेनी है हमें, क्योंकि हमें नवाबगंज जाना है। नवाबगंज में ही वो मतलब भैया और भाभी रहते हैं, जो मेरे बर्थडे पर आए थे। आप लोगों ने ब्लॉग भी देखा होगा मेरे बर्थडे का जिसने भी, तो उन्हीं के यहाँ ही हम जा रहे हैं। उनके यहाँ घर पे विश्वकर्मा पूजा है, तो उन्होंने बुलाया था, बस ये थोड़ा लेट हो गए हैं। चुके हैं बस पर, ये देखिए बस पे भी तो भीड़ भी थी, और सीट नहीं मिली थी, तो हम लोग पीछे वाली सीट पे बैठे हैं सभी लोग। और ये देखिए बच्चे भी मेरे साथ बैठे हैं दोनों। फाइनली हम आ चुके हैं नवाबगंज में, उतर चुके हैं बस से, और हम भैया का वेट कर रहे हैं। भैया ने बोला था कि आप लोग वेट करो, मैं आ रहा हूँ लेने के लिए, तो तब तक हम चलते हैं थोड़ा मिठाई ले लेते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं और पूजा भी है घर पे, तो ऐसे सही नहीं रहता है खाली हाथ जाना किसी के यहाँ। तो इस लोगों ने मिठाई ले ली है, और अब हम चल रहे हैं घर पे, और भैया भी देखिए आ गए हैं हमें लेने के लिए। फिर देखिए भैया हैं, इनके कंपनी के हैं, तो चलते हैं घर पे इनके। और हम लोगों ने मिठाई का डब्बा भी ले लिया है, तो बैठे हैं रिक्शे पर, रिक्शे पे। और फिर देखिए नवाबगंज का मार्केट है, मतलब ठीक है, इतना भी वो नहीं है लेकिन ठीक ठाक। बस यहाँ पे लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, वैसे तो मार्केट तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। तो चलते हैं सीधा घर पे उनके, और फिर मिलवाते हैं सभी से कि भाभी क्या कर रही हैं। और उनके अंकल तीज भी है, तो इसलिए थोड़ा घर पे काम वाम भी होगा, देखते हैं। चलते हैं पहले, यहाँ देखिए तो फाइनली हम आ चुके हैं उनके घर पर, और ये उनका भी घर है, अभी कोई है नहीं। चलो खुशी,
कहाँ है मैगी, कहाँ ऊपर है? इसे बाहर निकाल रहे हैं, ये चिल्ला रही थी सभी के ऊपर। हाँ बस शांत, बस बस बस, जी, इतना मोटा तो मोती नहीं है, तो डर लग रहा है ना। आज इधर मैगी, ये बच्चों को देख के बहुत खुश हो रही थी, तो खेल रही थी उनके साथ, लेकिन अभी अभी फर्स्ट टाइम है तो डर लग रहा था थोड़ा सा। और देखिए इसे बाहर निकाल दिया है गेट के बाद, चिल्ला रही परेशान हो रही है। अब बच्चे आ गए खेलने के लिए है। मैगी बुलाना भाभी से, कितनी शांत कितनी सीधी है ना। तो गाइस भाभी ने मेहंदी लगवाई है, कल उनके यहाँ तीज है, उनके यहाँ तीज होती है तो इन्होंने मेहंदी लगवाई है। कितनी प्यारी मेहंदी लगवाई है ये देखिए, बहुत खुश हैं हमारे आने से। और ये दीदी लगाने आई हैं, नवाबगंज में रहती हैं ये, तो बहुत अब लगा रही हैं खुशी मेहंदी। देखिए कितनी प्यारी मेहंदी लग रही है खुशी। और जिसको भी मेहंदी लगवानी हो तो इन दीदी से आप मिल सकते हैं। दीदी नाम क्या है आपका? शिवानी। शिवानी है, नवाबगंज में रहती हो ना? हाँ नवाबगंज में जो भी हो मतलब मैं बता दे रही हूँ, इन दीदी से लगवा सकते हैं। और ये देखिए कितनी प्यारी लगाई मेहंदी, बहुत अच्छी लग रही है। तो ये लग गई खुशी के दोनों हाथों में मेहंदी। अब कल मैडम से क्या कहोगी बोलो? बोलती नहीं हूँ, अच्छी लग रही है। तो गाइस यहाँ बच्चों की चल रही है पिज्जा पार्टी। और देखिए खुशी अच्छा है, तुम्हारा फेवरेट आ गया पिज्जा है। किस किस को अच्छा लगता है? तीनों को, खुशी का तो फेवरेट है। अब देखते हैं कौन फिनिश करता है ये, ठीक है? खुशी खा लो पूरा। तो गाइस देखिए कितनी शैतानी करती है ये, देखिए बच्चों के साथ साथ देवी पिज्ज़ा खाने के लिए मांग रही थी तो भैया ने इसे पिज्ज़ा दिया है एक पीस। देखिए तो कैसे मज़े से खा रही है, बहुत शैतानी करती है, बहुत ज़्यादा खेलती है, अभी एक साल की पूरी नहीं हुई है। भैया बच्चों को देख देख के तो सब डॉगीज़ खेलते हैं, जैसे हमारा मोती खेलता है। और ये देखिए गाइस इन्होंने, भैया भाभी ने कछुआ भी रखा हुआ है, ये मतलब ऐसी खेत में आ गया था तो उन्होंने यहाँ पे ला के घर पे रख लिया है पानी में। देखिए बहुत ही अच्छा रहता है, शुभ माना जाता है कछुए को घर में रखना। और यहाँ ऋषि और यांश खेल रहे हैं गेम, देखिए बच्चे खेल रहे हैं अपना, और बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे हैं संडे को, इनके भी दोस्त बन गए हैं, ये भी अकेले रहते हैं रियांश भी। और ये देखिए अब ऋषि खुशी आ गए हैं, तो ये ऋषि के साथ बैडमिंटन खेल रहे हैं दोनों, तो बच्चों को भी अच्छा लग रहा है। और कभी बच्चे एक दूसरे के साथ रहते हैं तो बहुत ही खुश रहते हैं, खेल रहे हैं। और देखिए बच्चों ने इन्हें बाहर निकाल दिया है क्योंकि ये है बच्चों पे चिल्लाती है, भौंकती है, बच्चों को खेलने नहीं देती है, और खुशी को तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। और ये देखिए गाइस आप देख सकते हैं ये भाभी की किचन है, और किचन कितनी प्यारी है, मतलब रैक वाली जैसे बनी है, मतलब नवाबगंज में मतलब गांव का पूरा जैसा एरिया है, लेकिन घर इतने प्यारे प्यारे बने हुए हैं कि मुझे उन्नाव से ज़्यादा नवाबगंज में अच्छा लग रहा है। बस यहाँ थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है और सब एकदम अच्छा है, सब चीज़ सही है यहाँ पर। और देखिए मतलब मकान आप देख के ये नहीं कह सकते कि ये गांव में बना हुआ है, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। बस यहाँ थोड़ी लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, वो भी दिन में, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए घर एकदम बेस्ट है, सबको पसंद आया है, और मुझे तो मैंने देखते ही एक ही बार में पसंद कर लिया था कि हाँ ये उन्नाव से तो मुझे मतलब 100 गुना अच्छा लग रहा है मेरे को ये वाला घर, तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था उनका, भाभी का घर।
तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ सारा, ये मतलब फर्स्ट रूम वहाँ पे था किचन के साइड वाला, और एक ये रूम है, ये भी हॉल है, हॉल टाइप में है। और ये इनकी अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, ये सब उन्होंने कर रखा है, अपना सेट कर रखा है। अभी उन्होंने नया रूम शिफ्ट किया है, और यहाँ पे एक मिरर लगा रखा है ड्रेसिंग टेबल की जैसा ही वैसे है सेम। और ये रूम है इनका, यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी मतलब वॉलपेपर ऐसा लगा हुआ है, और मतलब सब चीज़ है, अच्छा लगा।